तो आजकल अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं और आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे मैनेजर्स लेने के लिए कॉल आ रहे होंगे, चाहे वो अकाउंट मैनेजर हो, एड्स मैनेजर हो, डील्स मैनेजर हो। इतने टाइप के मैनेजर आ गए हैं कि सेलर्स खुद कंफ्यूज हैं कि इनकी सर्विसेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि वो फ्लिपकार्ट की अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज लेके फंस गए, कुछ अमेजोन का बोल रहे हैं, कुछ मीशो का बोल रहे हैं, कुछ किसी थर्ड पार्टी का बोल रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं कि ये जो आजकल जो मैनेजर्स हो गए, चाहे वो अकाउंट मैनेजर हो या एड्स मैनेजर हो, डील्स मैनेजर हो, ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो किस केस में लेना चाहिए, क्या वाकई आपके बिजनेस को बूस्ट दे सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जितने तरीके के मैनेजर्स हैं ये सबके सब टारगेट ओरिएंटेड हैं। इनके पास एक डेफिनेट टारगेट है जो मार्केट प्लेसेस की तरफ से इनको मिला हुआ है। इसमें जो मैनेजर्स हैं, चाहे वो एड्स मैनेजर हो, डील्स मैनेजर हो, अकाउंट मैनेजर हो, कई बार वो किसी थर्ड पार्टी के होते हैं जिनका इन मार्केट प्लेसेस से टाई अप होता है। कई बार वो इन मार्केट प्लेसेस के खुद के एम्प्लॉई होते हैं जो दिन भर आपको फोन करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें दो तरीके से डीलिंग होती है। एक तो डीलिंग ये है कि अगर आप इनकी सर्विसेज लेते हैं तो आपका फ्लैट 2-3% कमीशन ये बढ़ा देते हैं, और अगर आप मान लीजिए 18% कमीशन दे रहे हैं तो फिर आप इनकी सर्विसेज जब तक लेंगे आपको 21% कमीशन देना पड़ेगा। एक दूसरा भी तरीका है जिसमें इनकी मंथली फी होती है जो आपके अकाउंट से कट कर ली जाएगी, और चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये सर्विसेज लेने की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा, जैसा मैंने अभी कहा कि ये टारगेट बाउंडेड हैं। मार्केट प्लेसेस ने इनको बैठा के इसीलिए रखा हुआ है कि वो इनको और अर्निंग करा पाए, तो इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये आपसे ज्यादा पैसे कैसे अर्न कर पाए या ज्यादा पैसे कैसे निकाल पाए। आपका बिजनेस ग्रो हो या ना हो इनको बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है। खैर मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मेरी राय है, शायद आपको पसंद आएगी। तो अगर आप इनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो पहले तो ये आपको खूब मोटिवेट करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अगर हमने इनको इतने हजार रुपए दे दिए या इतने कमीशन बढ़ा दिया हमारा तो हमारा बिजनेस तो रॉकेट की तरीके से ग्रो होगा, ऐसा ये आपको बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको और ज़्यादा इनसे डील करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इनका बार जितनी बार आप इनसे बोलेंगे उतनी बार ये कहेंगे कि चलिए इस तरीके का ऐड चला लेते हैं, इस डील को चला लेते हैं, ये कूपन चला लेते हैं, ये सर्विसेज और ले लेते हैं, और हर जगह पे आपके अकाउंट से पैसे कट किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके बिजनेस को बूस्ट देने के लिए बैठे हैं? नहीं, जाहिर सी बात है अगर आप दिन भर में हजारों का ऐड चला रहे हैं, आप कूपन देके बैठे हुए हैं, डील में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5-10% प्राइस कम करके रखा हुआ है, तो ये काम अगर आप इनसे पूछे बिना खुद भी कर लेते तो शायद इनसे ज्यादा पैसा आप अर्न कर पाते, मतलब इनको कमीशन भी नहीं देना पड़ता और आप अच्छी सेल ले आ पाते, क्योंकि घूम फिरा के ये आपको यही चीज करने के लिए बोलेंगे। और अगर आप इनकी सर्विसेज लेना ही चाहते हैं तो तब लें जब आपके पास टाइम नहीं है बिजनेस को मैनेज करने का, बट आपको ई कॉमर्स की पूरी नॉलेज है तो आप इनका यूज ले सकते हैं। उसमें आप इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपको नॉलेज है ना, तो ये आपको मोटिवेट करके किसी दूसरी साइड नहीं ले जा पाएंगे या दूसरे पाथ में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि आपको ई कॉमर्स की नॉलेज है। तो अगर रॉन्ग मोटिवेशन आ रहा है जहां पे आपसे पैसे बनाना है, इनको पैसे कमाना है, तो उस केस में आप वो चीज नहीं करोगे। तब तो एक बार के लिए ये थोड़े मोड़े प्रॉफिट आप इनसे अर्न कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा काम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि सेलर्स उतने जानकार होते नहीं हैं और ये लोग आपको विजिबिलिटी में बूस्ट देने को लेके, आपकी सेल्स बढ़ाने को लेके, आपको ज़्यादा पैसा अर्न करने को लेके इस तरीके का लालच देते हैं, और फिर आप इनकी सर्विसेज ले लेते हैं तो फिर या तो ये आपसे जल्दी बात नहीं करेंगे, या तो बताएंगे मीटिंग में है, या तो कहेंगे हम लॉन्ग हॉलीडे पे चले गए हैं, या ये कहेंगे कि अभी थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए सब कुछ हो जाएगा, या आपका फोन ही उठाना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये काम पूरा चलता रहता है। अल्टीमेटली इनका एम ये बिल्कुल नहीं रहता है कि आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाना है, इनका एम ये रहता है कि आपसे ज्यादा पैसे कैसे कमाना है।
तो अगर आप इनकी सर्विसेज लेने की सोच रहे हैं तो जरूर एक बार सोच लें, क्योंकि अगर आपने इनकी सर्विसेज ले ली और इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ना तो आपका पैसा वापस होगा और ना ही जल्दी आपका कमीशन रोल बैक होने वाला है या कमीशन फिर से नॉर्मल होने वाला है। आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अगर इन अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, आपके पास आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आप होल सोल इसी पे डिपेंडेंट हैं, उस केस में आप खुद रिसर्च करिए, खुद देखिए, यूट्यूब पे आके बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इनकी सर्विसेज और ये सब जो भी इनका चलता है कि मैनेजर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अगर आप उसमें चले गए तो दिन भर आप परेशान रहेंगे, आपके अकाउंट से पैसे कटते जाएंगे और आपका बिजनेस इतना नुकसान में चला जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि आपकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें बच कितना रहा है, जब आप ये निकालने बैठेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इनकी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ तभी लें जब आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप इनका यूज कर पाएं तो बात समझ में आती है। अदरवाइज फिर आपका ये मिसयूज कर सकते हैं और आपका बिजनेस प्रॉफिट के बजाय धीरे धीरे नुकसान में जा सकता है। बहरहाल ये मेरी अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है, मैं किसी कंपनी की तरफ से या अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है जो 11 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आया है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, नहीं कल को फिर आप कमेंट करते हैं कि सर हमने तो सर्विसेज ले ली, पैसे कैसे वापस मिलेंगे। उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार पैसे डिडक्ट हो गए हैं, कमीशन एक्स्ट्रा कटने लगा है, तो रोल बैक करा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस से मिले हुए होते हैं, इनका अपना इनसे टाई अप होता है और दोनों जब आपस में मिले हुए हैं तो फिर उसमें कुछ भी नहीं होने वाला, अल्टीमेटली आप नुकसान में ही जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।